अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उस अंधेरी रात में शेरपा चिरिंग दोरजे और मौत के बीच सिर्फ एक फासला था, बर्फ वाली कुल्हाड़ी का। एक बर्फीली चट्टान से लटके चिरिंग को कुछ नहीं दिख रहा था, उन्हें बस भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पर्वत की देवी तकार डोलसांगमा अपने हर ड्रैगन पर सवार होकर पहाड़ को मथ रही हो। ये 1 अगस्त 2008 की तारीख थी, करीब आधी रात का वक्त रहा होगा। शेरपा चिरिंग इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत के सबसे भीषण स्ट्रेच पर झूल रहे थे। खुद को बचाने के लिए उन्हें बस एक कुल्हाड़ी का सहारा था, इसी को बर्फ में धंसाकर उन्हें ग्रिप बनानी थी। लेकिन ऊपर से गिर रहे बर्फ के टुकड़ों के बीच ये पकड़ बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। एक भी चूक और कहानी खत्म। अकेले चिरिंग की नहीं, उनकी पीठ की रस्सी के सहारे नीचे लटके पसांग लामा की भी। चिरिंग की तरह पसांग भी पर्वतारोही थे। उस रोज पहाड़ से उतरते हुए रास्ते में उन्होंने एक जरूरतमंद पर्वतारोही को अपनी कुल्हाड़ी दे दी थी। पसांग ने सोचा था फिक्स्ड रस्सी के सहारे उतर जाएंगे, लेकिन एवलांस में वो रस्सी टूट गई। पसांग पहाड़ के एक बेहद खतरनाक मोड़ पर अकेले फंस गए। अब एक ही उम्मीद थी कि कोई और पर्वतारोही उन्हें रस्सी के सहारे अपनी पीठ से बांधकर नीचे उतारे। लेकिन इसमें खतरा बहुत था, पसांग के पास कुल्हाड़ी नहीं थी, ऊपर से बर्फ के टुकड़े। ऐसे में पकड़ कैसे बनाते? एक बार भी उनका पैर फिसलता तो उनके साथ साथ उन्हें पीठ से बांधने वाले पर्वतारोही की भी मौत तय थी। लेकिन चिरिंग ने सारा जोखिम समझते हुए भी अजनबी पसांग की मदद की, उन्हें अपने साथ ले आए। उस रात चिरिंग और पसांग के पहाड़ से उतरने की कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक है। ये उसी तारीख की कहानी है जब उस पहाड़ ने 11 बेहतरीन पर्वतारोहियों की जान ले ली थी। ये कहानी उस पहाड़ की है जहां जाने वाले के लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं होती। दुनिया भर के माउंटेनियर इस पहाड़ को कहते हैं सेवेज माउंटेन, वो बर्बर पहाड़ जो आपको मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक बार फिर ये पहाड़ सुर्खियों में है। इस पर फंसे 3 पर्वतारोहियों को रेस्क्यू करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इन तीनों में पाकिस्तान का वो नंबर 1 माउंटेनियर भी शामिल है जो कहता था कि आप पहाड़ तभी चढ़ पाएंगे जब आपकी दिलगी हो उनसे। ये कौन सा पहाड़ है, क्या है इसका इतिहास, इसके इतना खतरनाक होने के बावजूद क्यों लोग इस पर चढ़ने के लिए अपनी जान का जुआ खेलते हैं, आज के एपिसोड में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों पर लल्लन टॉप का डेली बुलेटिन दुनियादारी है। आज शुरुआत करेंगे 1856 के साल से। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था उन दिनों, द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। इस सर्वे का मकसद था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की चौहद्दी को मापना, पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ। ये सर्वे शुरू तो हुआ 1802 में, लेकिन टॉपिक के लिहाज से हमारा इंटरेस्ट ईयर 1856 है। इस वक्त इस सर्वे के कमिश्नर थे लेफ्टिनेंट थॉमस जॉर्ज मॉन्टगोमरी। उन्हें ब्रीफिंग मिली थी कि कश्मीर और चीन के बीच की सीमा को आइडेंटिफाई करो, लेकिन इस काम के लिए यह जरूरी था कि भारतीय सीमा में पड़ने वाली सारी पहाड़ी श्रृंखलाओं की पहचान हो, उनकी चोटियां चिन्हित की जाएं। इसी सिलसिले में मॉन्टगोमरी एक दफा पहुंचे माउंट हरमुख। ये कश्मीर के गांदरबल जिले में पड़ता है। गांदरबल झील से उठते हुए इस पहाड़ को कश्मीर के हिंदू शिव का घर मानते हैं। इसी पहाड़ से एक रोज मुआयना कर रहे मॉन्टगोमरी ने बहुत दूर उत्तर की दिशा में एक ऊंची चोटी देखी। उन्होंने इस चोटी को नाम दिया केवन। फिर मॉन्टगोमरी को इस केवन से पीछे भी एक बड़ी चोटी दिखाई दी, इसका नाम रखा गया K2। ये दोनों पहाड़ी चोटियां काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा थी। उनके नाम से जुड़े के का मतलब काराकोरम ही था। और ये कहां पड़ती थी? एकदम कश्मीर और चीन की सीमा पर, जहां गिलगित बाल्टिस्तान है वहीं केवन और K2 है। ये दोनों नाम अस्थाई तौर पर रखे गए थे शुरुआती रेफरेंस के लिए, चोटियों की जैसे नंबरिंग की गई हो। सर्वेयर्स का मकसद था कि चोटी की पहचान करने के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत करें, पता करें कि वो उस चोटी को क्या पुकारते हैं और फिर नॉमिक्लेचर हो। लेकिन यहां एक दिक्कत हो गई। स्थानीय बाल्टी लोगों के पास केवन के लिए तो सिर्फ एक नाम था, माशेर ब्रूम, लेकिन K2 को लेकर कंफ्यूजन था।
विशालकाय ग्लेशियर्स और ढेर सारे पहाड़ों से घिरी ये चोटी किसी भी स्थानीय गांव से नजर नहीं आती थी। ऐसे में जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया छोगोरी। बाल्टी भाषा में इसका मतलब होता है बड़ा पहाड़। सर्वेयर्स को समझ नहीं आया कि छोगोरी सच में कोई नाम है या सिर्फ डिस्क्रिप्शन। बाद में सर्वेयर्स इस सहमति पर पहुंचे कि ये चोटी इतनी रिमोट थी कि शायद उसे किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए आम बोलचाल में उस चोटी के लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। सो इस चोटी को नाम मिला जो K2, वही इसका परमानेंट नाम हो गया। अब K2 की पहचान हो गई, लेकिन अब भी उसकी ठीक ठीक लोकेशन और ऊंचाई की जानकारी नहीं थी। ये जानकारी जुटाई हेनरी गॉडविन ऑस्टिन ने। वो मॉन्टगोमरी की ही टीम में थे। कई लोग उन्हें अपने दौर का सबसे महान पर्वतारोही कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, खासकर काराकोरम को एक्सप्लोर करने और इसके भूगोल का दस्तावेज बनाने में हेनरी का काम यादगार माना जाता है। हेनरी ही थे जो सबसे पहले K2 के बेस पर स्थित ग्लेशियर तक पहुंचे। फिर उन्होंने दुनिया को बताया कि K2 कोई सामान्य पर्वत चोटी नहीं है, यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पता है K2 का बेस आज भी हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। एक दफा यह संभावना भी बनी थी कि शायद उनके नाम पर K2 का भी नामकरण हो जाए, लेकिन यह दावेदारी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने खारिज कर दी। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे वजह भी थी हेनरी का प्रेम प्रसंग। उन्हें एक कश्मीरी लड़की से मोहब्बत थी। जिस वक्त कश्मीर के पहाड़ों का सर्वे शुरू हुआ उसी दौरान उनका इश्क भी, फिर शादी भी हुई और दोनों का एक बेटा। कहते हैं कि हेनरी का एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना अंग्रेजी प्रशासन को बहुत नागवार गुजरा। हेनरी के बायोग्राफर्स के मुताबिक अगर उन्होंने ये शादी ना की होती तो शायद K2 भी माउंट ऑस्टिन पुकारा जाता, वैसे ही जैसे 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर चोमोलुंगमा का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। जी, उसका असली नाम चोमोलुंगमा है, माउंट एवरेस्ट बाद में दिया नाम। विषयांतर हो गया है, पर वापस लौटते हैं K2 पर। हमने आपको बताया कि इसे 1856 के साल में खोजा गया। इस पर चढ़ाई की पहली कोशिश कब हुई? 1902 में। 1902 से पहले तक किसी को भी नहीं पता था कि K2 की चढ़ाई कैसे होगी। लोगों ने सोचा जाएंगे चढ़ जाएंगे, लेकिन कई एक्सपीडिशन फेल रहे। ग्रुप के एक सदस्य को तो सांस लेने का इन्फेक्शन हो गया, दूसरे को मलेरिया, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों की कोशिश जारी रही। इसमें अमेरिका के मशहूर पर्वतारोही चार्ली ह्यूस्टन भी शामिल थे। उनका दिया एक टर्म पर्वतारोही टीमों में आज भी चलता है, द ब्रदरहुड ऑफ रोप। माने माउंटेनियरिंग के लिए साथ गई टीम रस्सी से बंधी एक टीम भर नहीं है, वो ब्रदरहुड है। वहां सब एक दूसरे की जिम्मेदारी है। इन्हीं ह्यूस्टन ने दो बार K2 पर चढ़ने की कोशिश की। नतीजा क्या रहा? वो दोनों बार नाकाम रहे। कई सारे नाकाम एक्सपीडिशंस के बाद पहली कामयाबी मिली 1954 में। इस बरस इटली के पर्वतारोहियों की एक टीम K2 के शीर्ष पर पहुंचने में सफल रही। जिन दो लोगों ने सबसे पहले इस चोटी पर पांव रखा उनके नाम थे आकले कोम्पानियोनी और लिनो लाचे डेल्ली। ये दोनों एक 6 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे। ये टीम K2 से जुड़े एक कुख्यात मुहावरे की भी मिसाल मानी जाती है। K2 पर जाने वाले माउंटेनियर्स कहते हैं कि ये पहाड़ आपका बेहतर और बदतर दोनों चेहरा दिखाता है। कई बार अजनबी आपकी जान बचाते हैं तो कई बार दोस्त आपको मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही इस कामयाब इटालियन टीम के साथ भी हुआ। 31 जुलाई 1954 को जब आकले और लिनो K2 के शीर्ष पर पहुंचे तो आकले की हिम्मत जवाब दे गई थी। उन्होंने लिनो से कहा रात यहीं गुजारते हैं, लेकिन चोटी पर रुकने का मतलब था मरना। इसलिए लिनो ने आकले को अपनी कुल्हाड़ी दिखाई, धमकाया कि फौरन नीचे चलो वरना यहीं काट डालूंगा। पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते आखिरकार दोनों नीचे बेस कैंप पर पहुंचे। बर्फ के चलते लिनो के बाएं हाथ का अंगूठा कट गया। आगे की पूरी जिंदगी इन टीम के बीच दुश्मनी रही। लोगों ने एक दूसरे पर मुकदमे ठोके, लेकिन जुलाई 1954 में हुए इस पहले कामयाब समिट के बाद से अब तक सैकड़ों लोग K2 पर चढ़ चुके हैं। और इनमें सफल कितने रहे? सिर्फ 280 लोग इसके शीर्ष तक पहुंच सके हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की संख्या क्या है? लगभग 4000। इस तुलना से आपको समझ में आ गया होगा कि K2 पर चढ़ना कितना मुश्किल है। एक भी चीज आपके फेवर में नहीं हुई तो मौत पक्की है। आपको ध्यान है ना,
एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको अगस्त 2008 की कहानी सुनाई थी। उस महीने एक ही दिन में 11 लोग केटू पर मारे गए थे। वो दिन केटू के इतिहास में सबसे जानलेवा माना जाता है। और ये है क्यों इतना खतरनाक? इसका जवाब है भूगोल। केटू ऊंचाई में एवरेस्ट से 800 फीट छोटा है, लेकिन इसकी टोपोग्राफी काफी दुर्गम है। एवरेस्ट चढ़ते हुए बहुत खड़ी चढ़ाई वाली चट्टानें मिलती हैं, लेकिन फिर वो फ्लैट हो जाती हैं। लेकिन केटू में फ्लैट हिस्सा बहुत छोटा है। करीब 24,000 फीट पर जाकर ये जरा सा फ्लैट होता भी है तो वहां एवलांच और पत्थर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस हिस्से को कहा जाता है डेथ जोन, और यहीं पर पहाड़ का एक कुख्यात हिस्सा पड़ता है जिसे कहते हैं बॉटलनेक। आपने रेत घड़ी देखी है? कुछ कुछ उसी आकार की एक बेहद सकरी घाटी है ये बॉटलनेक। इसके ठीक ऊपर एक अस्थिर बर्फीली चट्टान है जिसे सेराक कहते हैं। इस सेराक से लगातार बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, कईयों का आकार तो घर जितना बड़ा होता है। अगर आप इसकी चपेट में आए तो मौत पक्की है। और ऐसा नहीं कि आप रफ्तार में चलकर इस जगह को पार कर लें। इतनी ऊंचाई पर तेज रफ्तार से चलना मतलब स्लो डेथ, क्योंकि ठंड के चलते आपके फेफड़ों में खून पहुंचाने वाली नसें सिकुड़ जाती हैं। आप तेज चलेंगे तो तेज सांस लेंगे, इससे फेफड़े पर दबाव बढ़ेगा और ऐसा हुआ तो दिमाग में खून लीक हो सकता है। दूसरी वजह, यहां का मौसम जो एवरेस्ट से कहीं ज्यादा निर्मम है। कहते हैं कि यहां मौसम का कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। कई कई हफ्तों तक यहां बर्फीले तूफान आते रहते हैं, और कई बरस तो ऐसे बीते जब केवल खराब मौसम के चलते ही कोई केटू पर चढ़ ही नहीं सका। इन्हीं वजहों से केटू में मरने वालों का प्रतिशत ज्यादा है। केटू चढ़ने की कोशिश करने गए 4 लोगों में से एक जिंदा वापस नहीं लौटता, और एवरेस्ट में ये संख्या 34 में एक की है। शायद इसीलिए माउंटेनियर्स कहते हैं कि आप कितने भी बड़े नास्तिक हों, लेकिन केटू पर पहुंचकर आपकी आस्था जग जाएगी। जब सब खत्म होता दिखेगा तब आप भी पहाड़ की उस देवी के आगे प्रार्थना करने लगेंगे। केटू चढ़ने वालों के पास सिर्फ 2 महीने होते हैं एक्सपीडिशन के लिए, जुलाई और अगस्त, क्योंकि ये यहाँ के हिसाब से सबसे गर्म महीना होता है। इसके अलावा एक विकल्प है विंटर क्लाइंबिंग का। विंटर क्लाइंबिंग मतलब ठंड के मौसम में पहाड़ पर चढ़ना। एवरेस्ट पर पहली कामयाब विंटर क्लाइंबिंग 1980 में हुई थी, और तब से ही पर्वतारोही केटू पर भी विंटर क्लाइंबिंग की कोशिश कर रहे थे, लगातार नाकाम। 4 दशक तक ये कोशिशें चलती रहीं। फिर कई जानकारों ने मान लिया कि सर्दियों में केटू पर चढ़ना नामुमकिन है। लेकिन फिर आया जनवरी 2021। इस महीने की 16 तारीख को एक कमाल हो गया। नेपाल से आई शेरपाओं की एक टीम को केटू पर चढ़ने में कामयाबी मिल गई। शेरपा तिब्बत और नेपाल के सबसे ऊंचे इलाकों में रहने वाला एक समुदाय है। वो पहाड़ को देवता मानता है, माउंटेनियरिंग उनके खून में हो जैसे। इसीलिए दुनिया भर के पर्वतारोही एक्सपीडिशंस पर शेरपाओं को साथ ले जाते हैं, रास्ता दिखाने के लिए, सामान ढोने के लिए और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू करने के लिए। जब एक्सपीडिशन कामयाब होता है तब शेरपाओं के योगदान पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन शेरपाओं ने आखिरकार अपने हिस्से की तारीख मुकम्मल ढंग से लिख ही ली। और इस लिहाज से देखें तो जनवरी 2021 में नेपाली शेरपाओं की केटू फतेह, उनका पहली बार सर्दियों में वहां पहुंचना बहुत ऐतिहासिक है। और इसी हिस्ट्री मेकिंग की खबर के बाद केटू से एक बुरी खबर भी आती है। नेपाली शेरपाओं की ही तरह सर्दी में केटू पर चढ़ने की कोशिश कर रहे 3 पर्वतारोही गायब हैं। ये तीनों माउंटेनियर हैं आइसलैंड के जॉन स्नोरी, चिले के हुसैन पाब्लो और पाकिस्तान के अली सतपारा। खबरों के मुताबिक ये तीनों चढ़ाई पर गए थे। 5 फरवरी की शाम जब ये तीनों 8,000 मीटर की ऊंचाई पर थे तो बेस कैंप से इनका संपर्क टूट गया। कई घंटों तक जब इनसे संपर्क नहीं हो सका तो 6 फरवरी को इन्हें लापता घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान ने इन तीनों की तलाश के लिए एक हवाई टीम भेजी है, लेकिन 3 दिन की कोशिशों के बाद भी ये टीम उन तीनों पर्वतारोहियों को लोकेट नहीं कर सकी। 8 फरवरी को जब रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया तब तक मौसम बिगड़ चुका था। तेज हवाएं चल रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी और पहाड़ के ऊपरी हिस्से घने बादलों से ढके थे। ऐसे मौसम में हवाई टीम अपना काम नहीं कर सकती। माउंटेनियर अली सतपारा पाकिस्तान के सबसे टॉप पर्वतारोही हैं। दुनिया में 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली 14 चोटी हैं और इनमें से वो 8 पर चढ़ चुके थे। 2016 में जिन 3 पर्वतारोहियों ने पहली बार सर्दी के मौसम में नंगा पर्वत की चढ़ाई की थी उनमें अली सतपारा भी थे। केटू पर फंसे उन तीनों पर्वतारोहियों की गुमशुदगी को 4 दिन बीत चुके हैं और मौसम और बाकी हालात देखकर उनके लिए अंदेशे मजबूत हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये पर्वतारोही ऐसा जोखिम लेते ही क्यों हैं?
अगस्त 2008 में जब केटू पर हादसा हुआ था तब भी कई लोग यही सवाल कर रहे थे। उनका कहना था कि जान देनी है तो सेना में भर्ती हो जाओ, देश के लिए जान दो, पहाड़ चढ़ने के लिए मरने में क्या समझदारी है। इस सवाल का जवाब शायद वही है जो कभी रेनहोल्ड मेसनर ने दिया था। मेसनर 20वीं सदी के महानतम माउंटेनियर माने जाते हैं। वो केटू को माउंटेन ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं। 1979 में इसकी चोटी पर चौथी दफा चढ़ने के बाद उन्होंने कहा था, इस पहाड़ को जैसे किसी कलाकार ने बनाया हो। केटू बेशक बहुत सुंदर है लेकिन वो उतना ही खतरनाक भी है, तभी तो कई लोग उकताकर हार मान लेते हैं। जैसे 1909 में ड्यूक ऑफ एब्रूजी बीच रास्ते से लौट आए, उन्होंने झल्लाकर कहा, अगर कोई कभी इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वो माउंटेनियर नहीं पायलट होगा। कईयों को केटू के साथ जुड़ा यही जोखिम लुभाता है और तभी वो बार बार कोशिश करते हैं। दोस्तों और परिवार से यूं मिलकर जाते हैं मानो आखिरी विदाई हो, और कई तो जाने के बाद मौत सामने देखकर पछताते भी हैं। आपको याद है हमने बिल्कुल शुरुआत में दुनियादारी के शेरपा चिरिंग दोरजे की कहानी सुनाई थी। मौत सामने देखकर उन्हें भी बीवी का रोता चेहरा याद आया था। अफसोस हुआ कि क्यों आए, क्यों अपने पिता की 40 वर्षों की जोड़ी संपत्ति केटू पर चढ़ने में खर्च कर दी। लेकिन ये सारे अफसोस फिर पीछे रह गए। शेरपा चिरिंग अब भी पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो फिर केटू जाना चाहते हैं, यानी वो उस दिन सही सलामत लौटे। केटू पर जाने वाले वो उन पर्वतारोहियों में से हैं जो कहते हैं कि ये इतना कीमती है, इतना खूबसूरत है कि इस पर चढ़ते हुए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। जिसके भीतर माउंटेनियरिंग का पैशन होगा शायद वही इस जुनून को समझ पाए। ये था आज का दुनियादारी बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी चीन से है। यहां सरकारी चैनल CGTN की पत्रकार चेंग लेई को पिछले 7 महीने से हिरासत में रखा गया है। अब इस केस में चीन ने एक उपकार किया है, उसने इस गिरफ्तारी को आधिकारिक तौर पर कबूल कर लिया है। चेंग की पैदाइश चीन की है लेकिन बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली थी, शायद इसी के चलते वो अरेस्ट हुई। चीन के मुताबिक चेंग खुफिया जानकारियां बाहर भेजती थी। ऑस्ट्रेलिया ने चेंग के निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है और जवाब में चीन ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप दखल न दें तो बेहतर है। दूसरी सुर्खी तंजानिया से है। यहाँ चुनिया नाम के जिले से एक रहस्यमय बीमारी की खबर आई है। इस बीमारी के शिकार लोगों को खून की उल्टी होती है। कुछ मरीजों ने अस्पताल में दाखिल होते ही दम तोड़ा। हेल्थ मिनिस्ट्री मामले की जांच कर रही है। फिलहाल किसी महामारी की आशंका से इनकार किया गया है। हालांकि इस केस में प्रशासन चाइनीज मॉडल से प्रेरित चीजें देख रहा है। जिस डॉक्टर ने मीडिया को इस बीमारी की जानकारी दी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरी सुर्खी हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से है। यहाँ देश के सभी बड़े शहरों में लगातार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जनता फौज के तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर है। उनकी मांग है कि सेना जनता के हाथों चुने प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपे। 8 फरवरी को पुलिस ने कई जगह पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया लेकिन प्रोटेस्टर्स पीछे नहीं हट रहे और इसमें सबसे आगे है राजधानी नेपिडॉ। ये म्यांमार मिलिट्री का किला है, इसके चलते यहाँ जनविरोध की कोई परंपरा नहीं थी लेकिन अब इसी शहर में हजारों की भीड़ सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। एक बार लोकतंत्र का चस्का लग जाए, एक बार आजादी का चस्का लग जाए, एक बार मानव को अपने होने की गरिमा महसूस हो जाए तो फिर कोई भी संगीन उनको दबा नहीं सकती। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने,
इन नायाब चीजों के बारे में, ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।